वेलकम टू साउथ सिटी PCMB। ठीक है, तो अभी तक के हमने लेक्चर में देख लिया था जो बेसिक स्टडीज थी हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए, वो हमने देख लिया था। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था, अब जब पूरा वीडियो उसको देख लेंगे तो आपको लास्ट में प्यूबर्टी के बारे में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, प्यूबर्टी बेसिकली होती क्या है कि द स्टेज और एज एट विच बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, ठीक है, एंड सेक्स हॉर्मोन्स इज कॉल्ड प्यूबर्टी। उसको हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। ये दोनों में होती है, दो इंडिविजुअल्स होते हैं ना ह्यूमन के केस में, ऑर्गेनिज्म में, एक फीमेल, एक को हम कहते हैं मेल और एक को कहते हैं फीमेल, ठीक है। तो ये दोनों में ही होते हैं, बस दोनों डिफरेंट एजेस पे आते हैं। जैसे ये चीज़ फीमेल्स में जो ये क्या होती है, जल्दी आती है, मतलब 11 to 12 ईयर्स, और यही चीज़ मेल्स में क्या होती है, 13 to 14 ईयर्स। ये क्यों होता है इसको अभी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये आती है 11 to 12 ईयर्स में फीमेल में और 13 to 14 ईयर्स में मेल में। ये वेरी कर सकता है, किसी में 15-16 हो सकता है या किसी में 12-11 हो सकता है। मेल के केस में ये चीज़ वेरी कर सकती है 10 to 14, फीमेल्स में मतलब 10 से शुरू होकर के 14 तक वेरी कर सकती है, यहाँ तक भी। वैसे जनरली 11 to 12 ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली केसेस में 11 to 12 ईयर में देखा जाता है। अब बेसिकली ये प्यूबर्टी के बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कौन से वो चेंजेस, कौन से बदलाव आते हैं, ठीक। ये दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो फीमेल्स में क्या होता है, हाई पिच वॉइस होती है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनकी वॉइस जो होती है श्रिल होती जाती है। श्रिल का मतलब बहुत पतली आवाज़, ठीक है। पहले जब बच्चे होते हैं तो उसमें जब कोई भी बच्चा रोता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो यू कैनॉट डिफाइन ईजिली कि वो बॉय है या गर्ल है, मतलब उनके रोने की आवाज़ से आप इजिली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 11-12 ईयर की अगर गर्ल और बॉय हैं तो उनकी आवाज़ आप आसानी से पहचान सकते हैं कि लड़के की आवाज़ है या लड़की की आवाज़ है, ठीक है। तो वो क्यों आता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है प्यूबर्टी आती है, अटेन होती है बॉडी में, और इसके बाद में कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उसमें एक चेंज होता है हाई पिच वॉइस, पिच बढ़ जाने का मतलब पतली आवाज़ एकदम, है ना, जिसको कहते हैं तीखी आवाज़। तो वो श्रिल आ जाता है ना, श्रिलनेस आ जाती है वॉइस में। दूसरा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाती है इसमें 11 to 12 ईयर में, प्यूबर्टी के बाद में आई थिंक 1 year या 2 ईयर्स के बाद में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे आप चलेंगे तो इसमें फॉलिकुलर फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पूरा फेज ये जिसमें फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, प्रोलिफ्रेटरी फेज जिसमें प्रोलिफ्रेटरी में इंडोमेट्रियम की लाइनिंग वो होती है, उसके बाद में शेडिंग होती है उसकी मेंस्ट्रुअल फेज में, फिर फॉलिकुलर फॉलिकल्स जो होते हैं अंदर, प्राइमरी फॉलिकल्स वो मैच्योर होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में बदलते हैं, ये ओवरी के अंदर चलती रहती है प्रक्रिया, ये पूरा जो फेज है ये अंदर ओवरी के अंदर, ओवरी होती है ना, ओवरी के अंदर गैमेट्स बनते हैं, तो ये जो ओवरी होती है इसके अंदर यहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल आगे चल के मैच्योर, इनके ऊपर लेयर ग्रैनुलोसा किया जाती है, ये ग्राफियन फॉलिकल बना लेते हैं, फिर इसके अंदर एंट्रम बन जाता है, आगे चल के ये अंदर जो ऊपर की जो लेयरिंग होती है कॉर्पस ल्यूटियम इधर बदल जाता है और बाहर एग रिलीज हो जाता है, जिसको फिम्ब्री, जो आपका ये फेलोपियन ट्यूब का आगे वाला पार्ट होता है जिसके अंदर ऐसे फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैप्चर कर लेते हैं आपको, ठीक। तो ये यही एग होते हैं अंदर, जिसके एग होता है वो रिलीज कर देती हैं, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, है ना, ओव्यूलेटरी फेज ये पूरी आती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, ये जो साइकिल है पूरी जो चल रही है ये पहले मंथ में होगी, फिर एग रिलीज होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में होगी एग रिलीज होगा, है ना, ये साइकिल चल रही है ना। साइकिल हम किसको कहते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड उसमें मोशन में चलता रहे उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। इसके बाद में मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं इनकी, ये एक्टिव हो जाती है और इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ठीक। इसके बाद में हिप्स का जो एरिया होता है वो उसकी वाइडनिंग होना, जैसे उसमें शोल्डर का इनलार्जमेंट होता है वैसे यहाँ पर हिप्स का यहाँ पर वाइडनिंग होती है। फिर जो नेक्स्ट है वो जो इंटरनल ट्यूब या फिर इंटरनल जो ग्लैंड होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब एग रिलीज होगा तो फेलोपियन ट्यूब भी मैच्योर हो जाएगी, फेलोपियन ट्यूब को कैप्चर करना रहेगा एग को, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। यूटेरस भी एक्टिव हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पर चलेगी, अंदर जो यूटेरस का एरिया होता है वहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, अंदर की जो लेयर होती है यूटेरस की, वो प्रोलिफ्रेट करती है, फिर इसी की शेडिंग होती है, तो ये भी मैच्योर हो जाएंगे, इनके अंदर भी मैच्योरेशन आता रहेगा।
अब आते हैं, ये चीज़ मेल में 13-14 ईयर्स में होती है, इनमें क्या क्या होता है, तो इनमें इनलार्जमेंट होता है शोल्डर्स का, शोल्डर्स इनलार्ज होते हैं, ठीक है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, इनमें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा श्रिल वॉइस नहीं होती, बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ हो जाती है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो होते हैं वैसे वैसे इनमें जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा भारी, जिसमें कहते हैं भारीपन आ जाता है, तो उसको कहते हैं डीपनिंग ऑफ वॉइस। फिर इनमें हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बियर्ड डेवलपमेंट, माउथ स्ट्रेचेस, ये सब आते हैं, ठीक। इसके बाद सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी अंदर ग्रोथ करना, जैसे यहाँ पे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब ग्रो करना, ओवरी मैच्योर हो जाती है, वैसे उनमें क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन, जिसमें मेनली जो टेस्टिस होता है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, और जो स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड होती है ये एक्टिव हो जाती है। बेसिकली स्वेट ग्लैंड क्या होती है, स्वेट ग्लैंड क्या होती है, ये होती हैं हमारी जो स्वेट रिलीज करती हैं, ऐसी अंदर ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि स्वेट रिलीज करती हैं, पसीना, ठीक है। तो वो ग्लैंड को ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, इसलिए बच्चों को इतना पसीना नहीं आता जितना आपके ये जो एडोलसेंस होते हैं उनमें आता है, क्यों, क्योंकि एक्टिव स्टेज इसकी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। सेबेशियस ग्लैंड, यही चीज़, और सेबेशियस ग्लैंड क्या होती है, ऐसी ग्लैंड जो ऑयल प्रोड्यूस करती है बॉडी में, यहाँ पर फेसेस में ऑयल प्रोड्यूस, तो बच्चों में वो नहीं होता है, जब बच्चा होता है कोई भी तो उसमें ऑयल इतना ज़्यादा सिक्रेट नहीं होता जितना ये चीज़ एडोलसेंस एज में आती है, ऑयल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और वो सिक्रेट करना शुरू कर देती है ऑयल को, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड होती है वो। इसके बाद में स्किन पे पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा क्या, ड्राई स्किन वालों को ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, मतलब क्योंकि उनमें ऑयल रिलीज ही नहीं होता है जिसकी वजह से उनकी स्किन ड्राई होती है, और जब ऑयली स्किन वालों को सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है तो वो ऑयल के ऊपर और ज़्यादा ऑयल सिक्रेट होने लगता है, ठीक है, ऑयल सिक्रीट होता है, तो फिर जितने ज़्यादा ऑयल आते हैं उतने ज़्यादा पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो पिंपल्स का कारण ये सेबेशियस ग्लैंड है, और ये चीज़ टीनेज में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज होती है। अब बेसिकली ये इसमें देर में होता है, इसमें पहले होता है, ऐसा क्यों, वो इस कारण से होता है क्योंकि इनमें जो फॉलिकल्स होते हैं, मैंने कहा ना फॉलिकल्स, तो जो आपका एग का फॉर्मेशन होता है, ये जब गर्ल चाइल्ड बेबी मतलब फेटस में रहती है, मतलब एम्ब्रियो वगैरह डेवलप पेट के अंदर मदर वॉम के अंदर रहती है, तभी उसके एग्स बनना शुरू हो जाते हैं, एग्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बर्थ होने से, फीमेल चाइल्ड का बर्थ होने से पहले उसमें एग बने रखे रहते हैं ओवरी में, बस वो छोटे होते हैं, आप ये कह सकते हैं इनएक्टिव होते हैं और छोटे होते हैं, वो जैसे ही 12 ईयर को अटेन करती हैं उनके जितने भी एग है वो धीरे धीरे मैच्योर होकर के रिलीज होना शुरू करते हैं, मैच्योर होते हैं फिर रिलीज होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं रिलीज होते हैं, जबकि ये चीज़ मेल्स में नहीं होती है, मेल्स में क्या होता है जब वो 13-14 पे पहुँचते हैं तब उनमें गैमेट्स बनना शुरू होते हैं, तब उनमें गैमेट्स बनना शुरू होते हैं, ये रीज़न होता है कि क्यों इनमें 13-14 पे आती है देर में और इनमें क्यों 11-12, क्योंकि इसमें स्टोर्ड एग्स होते हैं जो कि मैच्योर होना, ये जब फेटस होती हैं बर्थ के पहले, इनका बर्थ भी नहीं होता उससे पहले ही एग बनने शुरू हो जाते हैं, जबकि बर्थ के 13-14 साल के बाद में यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये ह्यूग क्वांटिटी में बनता है, मतलब ये भी होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें ह्यूग नंबर में, मिलियंस नंबर में एग, सॉरी यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग इनकी होती है, इनकी इनमें टेल होती है, इनको मोटाइल होता है ना, मोटाइल स्पर्म होते हैं, तो इनको ट्रैवल करके आगे जाना होता है फ्यूजन के लिए, जबकि ये अंदर जो फीमेल होती है उनके अंदर एग प्रोड्यूस होता है और वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ में आपके फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं, तो उनको कोई भी खतरा नहीं होता, जबकि स्पर्म के डेथ होने का या उनके ख़त्म होने का वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा नंबर में बनाए जाते हैं कि अगर 1-2-500 भी ख़त्म हो तो फिर ये मिलियन नंबर्स में होते हैं, ठीक। और जबकि एग एक मंथ में एक ही बार एक एग रिलीज होता है, हर एक ओवरी अल्टरनेट मैनर में, यानी कि दो ओवरी होती है, पेयर ऑफ ओवरी होती हैं, तो अगर राइट ओवरी ने इस मंथ किया अप्रैल में तो फिर नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट वाली ओवरी, ऐसे अल्टरनेट मैनर में ओवरी एग रिलीज करना करती है फीमेल्स में, तो ये दोनों केसेस आपके हो गए, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर, ठीक है। आज का वीडियो, ये छोटा सा वीडियो, आप इसको जाकर के देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं, खासकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज का वीडियो इसी पर है रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच।